हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वालिफायर टू जो कि खेले जाने वाला है गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच। तो दोस्तों, इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है, इनके हेड टू हेड मैचों में आज तक कौन किस पे भारी पड़ा है, इसके अलावा एक SL की और एक GL की टीम देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमसे पहली बार जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम। IPL के बाद भी आपको लगातार फ्री टीम मिलती रहेगी, तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वालिफायर टू खेले कहाँ पे जाने वाला है। तो दोस्तों, ये मैच जो क्वालिफायर टू MI और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाने वाला है, ये खेले जाने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद का होम ग्राउंड होगा, गुजरात जायंट्स का होम ग्राउंड होगा। तो गुजरात जायंट्स को एक एडवांटेज मिल जाएगी कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, पर मुंबई को आप जैसे कि जानते हैं, अगर उन्होंने क्वालिफाई में अपनी जगह बनाई तो फाइनल ज़रूर खेलते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये मैच मुंबई इंडियंस आसानी से जीत जाएगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि अहमदाबाद के इस पिच पे कितने एवरेज स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस मैच में जो एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा वो 171 से 185 के बीच में देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर कह सकते हैं आप एक बैट्समैन के हिसाब से। पिच रिपोर्ट में भी यही देखने को मिलेगा, आपकी हेल्पफुल फॉर बैटिंग है जिसके कारण आपको इतना अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। और वहीं बॉलिंग की बात करें कि बॉलिंग में किसको मदद करती है, फास्टर्स या स्पिनर्स को, तो दोस्तों ये फास्टर्स को ज़्यादा मदद करती है। मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा यहाँ फास्टर्स को कैसे मदद मिलती है और कितनी मदद मिलती है। तो आइए उस रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस पिच पे टोटल लास्ट 5 मैचेस में 65 विकेट गिरे हैं, जो कि अच्छा विकेट कह सकते हैं। उसमें से पेसर्स ने 48, आप कह सकते हैं लगभग 80% विकेट्स पेसर्स लेके जा रहे हैं, तो स्पिनर्स को सिर्फ 17 विकेट मिले हैं। तो यहाँ पे स्पिनर्स उतने वैल्यूएबल नहीं रखेंगे जितने आपके लिए फास्टर्स रखेंगे, तो अपने टीम में भर के फास्टर्स लाइएगा। और वो कौन से फास्टर होंगे जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी पिक हो सकते हैं, हम अपनी टीम बनाते समय आपको बताएंगे। उससे पहले इनके रिसेंट फॉर्म के बारे में जानते हैं कि इनके रिसेंट फॉर्म कैसा है। तो दोस्तों, बात करें गुजरात जायंट्स के रिसेंट फॉर्म के बारे में, जो अपने पिछला मैच क्वालिफाइड 1 हार के आ रही है चेन्नई से, तो इन्होंने अपना पिछला मैच हारा है। इसके अलावा एक और मैच इन्होंने लास्ट 5 मैचेस में हारा है और 3 मैचेस विन किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड कह सकते हैं और इनकी रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। तो वहीं बात करें मुंबई इंडियंस की, तो दोस्तों बात करें मुंबई इंडियंस के रिसेंट फॉर्म की, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन्होंने LSG को बहुत बड़े अंतराल से इस मैच में हराया है और काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। तो इनकी बात करें तो इन्होंने अपना पिछला मैच क्वालिफाइड 1 विन किया था LSG के खिलाफ। इसके अलावा इन्होंने इस मैच पिछले 5 मैच इसमें 2 लॉस और 3 विन किए हैं, तो रिकॉर्ड बराबर हैं गुजरात जायंट्स के और मुंबई इंडियंस के। दोनों ने अपने 2-2 मैच हारे और 3-3 जीते हैं। तो फॉर्म की बात की जाए, दोनों के ठीक ठाक फॉर्म चल रही है। वहीं इनके रिसेंट रिकॉर्ड पर ध्यान दिया जाए तो दोस्तों बात करें, इन्होंने अपनी लास्ट 2 सीजन्स में आपस में 3 वारी भी रहे हैं एक दूसरे के सामने, जिसमें से एक वारी गुजरात जायंट्स जीती है तो 2 वारी मुंबई इंडियंस ने बाजी मारा है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस का पल्ला थोड़ा सा भारी है मुकाबले गुजरात जायंट्स की। तो ये मैच देखने और इंटरेस्टिंग वाला होगा, जो भी ये मैच जीतेगा वो पहुँच जाएगी फाइनल में चेन्नई के साथ खेलने के लिए। वहीं जो ये हारेगी वो इस सीज़न क्वालिफाइड 2 से आउट हो जाएगी और फाइनल का सपना टूट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने ड्रीम 11 पे चलते हैं और आपको टीम बनाकर दिखाते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करते हैं, वो कौन से बैट्समैन, विकेट कीपर और बॉलर होने वाले हैं, फास्टर्स होने वाले हैं जो हमारी टीम में रहेंगे और कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, ये सब बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको विकेट कीपर सेक्शन में 2 ऑप्शन दिखेंगे, जो कि ईशान किशन और रिधिमान शाह हैं। तो इस मैच में ईशान किशन ज़्यादा अच्छे और सेफ पिक रहेंगे मुकाबले रिधिमान शाह के। तो वहीं दोस्तों बात करें बैटिंग वाली पिच पे, तो ये बैटिंग पिच है तो हमें थोड़े से बैट्समैन ज़्यादा लाने होंगे। तो यहाँ से आपको सुमन गिल एक काफ़ी अच्छी पिक देखने को मिलेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इन्होंने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, तो हम इनको भी अपनी टीम में लेके आएंगे। वहीं दोस्तों बात करें डेविड मिलर, जिन्होंने पिछले मैच में थोड़ा खराब फॉर्म प्रदर्शन किया था, पर मेरे को पर्सनली लगता है कि इस मैच में डेविड मिलर एक अच्छा स्कोर बना के देंगे आपको, तो मैं अपने इस टीम में डेविड मिलर को भी शामिल करूंगा। वहीं दोस्तों टीम डेविड भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ये जिस बड़े मैचों के प्लेयर हैं तो आपको इस मैच काफ़ी बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि करो या मड़ो वाला पोजीशन है, तो डेविड मिलर भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें साई सुदर्शन की, दोस्तों अगर बैटिंग आती है तो साई सुदर्शन भी ठीक ठाक प्लेयर हैं। विजय शंकर दोस्तों 3D प्लेयर कहा जाता है, पर मुझे लगता है कि इस मैच में नहीं चलेंगे। तो वही तिलक वर्मा की बात की जाए दोस्तों, तो ये भी इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं। तो दोस्तों बात करें, हम 3 बैट्समैन के साथ आएंगे ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे हार्दिक पांड्या, क्रिस ग्रीन, टी शांका, ओ स्मिथ, आर सिंह। तो दोस्तों यहाँ से हम हार्दिक पांड्या
पांड्या को अपनी टीम में रखेंगे, क्योंकि ये भी बड़े मैच के प्लेयर हैं और बड़े मैचों में इनका जलना जरूरी होता है। वहीं दोस्तों बात करें क्रिस ग्रीन को, तो क्रिस ग्रीन ने भी अपना पैसा वसूल कर दिया है मुंबई इंडियंस के लिए। दो मैचों में काफ़ी अच्छी शानदार पारियाँ खेल के मुंबई इंडियंस को फाइनल में पहुँचाने के लिए ये तैयार हैं, तो क्रिस ग्रीन भी हमारी टीम में रहेंगे। वहीं दोस्तों बात करें बॉलिंग वाले सेक्शन में, तो बॉलिंग वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे सेफ और अच्छे फास्टर्स हैं, जैसे कि मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, पीयूष चावला, नूर अहमद। तो दोस्तों यहाँ से मोहित शर्मा काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए। हम स्टार्टिंग करते हैं मोहम्मद शमी से, तो मोहम्मद शमी एक अच्छे पिक हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं बड़े मैचों के लिए, तो यहाँ से मोहम्मद शमी मेरी टीम में रहेंगे। दोस्तों वहीं बात करें राशिद खान के, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, तो ये भी हमारी टीम में रहेंगे। दोस्तों बात करें मोहित शर्मा की, तो इस मोहित शर्मा एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी पहले ही इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, नेट बॉलर से जीटी की तरह टीम में आए हैं, तो हम मोहित शर्मा को भी अपनी टीम में रखेंगे। दोस्तों यहीं बात करें पीयूष चावला की, तो ये काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं, पर यहाँ स्पिन की उतनी मदद नहीं मिलती है, पर ये ऐसे स्पिनर हैं जो विकेट निकाल के दे सकते हैं आपको, तो मैं पीयूष चावला को अपनी टीम में रखूँगा। और एक और बॉलर रखना है, तो दोस्तों यहाँ से मैं नूर अहमद को अपनी टीम में रख सकता हूँ, जैसन बेंड्रोफ को अपनी टीम में रख सकता हूँ। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, पिछले मैच में विकेट लेस रहे थे, पर ये विकेट कभी भी निकाल के दे सकते हैं। अगर आप जैसन बेंड्रोफ को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप टिम डेविड को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। दोस्तों आपकी मर्जी है, वैसे मैं इस समय जैसन बेंड्रोफ को अपनी टीम में रखूँगा, क्योंकि सेफ भी रहेंगे और विकेट भी निकाल के दे सकते हैं आपको। तो दोस्तों वहीं बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में इस मैच में आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शांति से सुमन गिल को अपना कैप्टन बना सकते हैं या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। वहीं कैप्टन वाइस कैप्टन के दूसरे अच्छे और सेफ पिक होंगे आपके लिए कैमरन ग्रीन। तो मैं मुंबई इंडियंस के लिहाज से सोच रहा हूँ कि अगर मुंबई इंडियंस ये मैच जीती है तो कैमरन ग्रीन हमारे कप्तान होंगे, और हार्दिक पांड्या को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, राशिद खान आपके लिए तीसरे ऑप्शन हो सकते हैं, जो भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, तो राशिद खान भी काफ़ी अच्छे पिक हैं। तो यहाँ से मैं दोस्तों राशिद खान को ही अपना वाइस कैप्टन बनाऊँगा, तो ये मेरी टीम है दोस्तों। वहीं आप तो दोस्तों अपनी ग्रैंड लीग की टीम के बारे में बात करते हैं, आइए अपने ग्रैंड लीग की टीम पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्या हमारी टीम रहने वाली है। थोड़ी सी रिस्क लेंगे हम, जिससे काफ़ी अच्छी विनिंग कर पाएँ, तो आइए वो रिस्क अगर चलता है तो हम काफ़ी अच्छी विनिंग करेंगे। तो आइए अभी टीम बनाते हैं हम अपनी, जहाँ यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ईशान किशन, रिद्धिमान शाह। तो दोस्तों यहाँ मैं रिद्धिमान शाह के साथ जाऊँगा, पिछले दो तीन मैचों में चले नहीं है, तो इनके सिलेक्शन परसेंट ईशान किशन के मुकाबले काफ़ी घट होगी, लेकिन ये इस मैच में अगर चलते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये गुजरात जेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके ओपनर स्कोर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें सुमन गिल के, सुमन गिल भी काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं। वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक सेफ और अच्छे पिक हैं, जो हर मैच में चलेंगे। डेविड मिलर दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छे पिक हैं, और चौथे ऑप्शन के रूप में मैं टिम डेविड को अपनी टीम में जरूर रखूँगा, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े मैचों में चल सकते हैं और चल के आपको स्कोर करके देंगे, आपको अच्छे पॉइंट्स देंगे। वहीं दोस्तों ऑलराउंडर की बात करें, तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में मैं हार्दिक पांडे और कैमरन ग्रीन दोनों को अपनी टीम में रखूँगा, और चार बॉलर के साथ आऊँगा, जो कि होंगे राशिद खान, इनके अलावा मोहित शर्मा, पीयूष चावला और जैसन बेंड्रोफ। ये चार बॉलर्स होंगे दोस्तों जो कि मैं अपनी टीम में रखूंगा। वहीं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन को आपको ऑप्शंस बता देता हूं, जैसे कि आप सुमन गिल को अपना कैप्टन बना सकते हैं, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव एक सेफ पिक हैं, पर मैं इनको अपनी टीम में नहीं ले कैप्टन के रूप में नहीं देखना चाहता। इनके अलावा टिम डेविड बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और डेविड मिलर, आप टिम डेविड और डेविड मिलर के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा रिस्क लेकर राशिद खान को अपना कैप्टन बना सकता हूँ। राशिद खान कैप्टन और पीयूष चावला वाइस कैप्टन, या पीयूष चावला को कैप्टन और राशिद खान को वाइस कैप्टन बना सकता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपना देख लेगी दीजिएगा, क्योंकि टीम सेम होगी तो आप विनिंग घट करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।